जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि जयमाल हो गया था और इसके बाद हम लोग खाना पीना खा करके और हम सभी लेडीज़ घर चले गए थे क्योंकि हम लोग धन जयमाल देखने के लिए ही आए थे। और यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है इसका नाम बर्नेथ है और यहाँ पे सभी हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं और यहाँ पे बड़ा भाई हमारी छोटे भाई के दुल्हन को बर्नेथ चढ़ाएगा क्योंकि भैसूल ही बर्नेथ चढ़ाते हैं और बर्नेथ में ही साड़ी गहना फल पैसे जो भी चढ़ाने होंगे सब यहीं पे चढ़ाए जाएंगे। तो ये देखिए बड़ा भाई हमारा बरने चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और इसको जो भी कपड़े वगैरह सब चढ़ाए जा रहे हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए और हमारे घर में कैसे रीति रिवाज और शादी ब्याह होता है तो आप देखते रहिए। धीरे धीरे हो भसुर, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो भसुर, धीरे धीरे, हमरा मंडवा में आई है भसुर, धीरे धीरे, हमरा मंडवा में धीरे धीरे कहना दिखावो भसुर खोद ताला। तो यहाँ पे सभी गहना फल और जो भी चढ़ाए जाने थे सभी भाई चढ़ा दिया है और इसके बाद यहाँ पे पंडित जी पान और सुपारी वगैरह देंगे और मेरा भाई दुल्हन के माथे पे लगाएगा और यहीं से भसुर वाला जो नियम होता है यानी भसुर से जो नहीं छुआते हैं हम लोग वही यहीं से चालू हो जाता है यानी यहाँ से मेरा भाई भसुर बन गया है। और भसुर का मतलब जेठ होता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दी। और यहाँ पे पापा जी कुछ पैसे दुल्हन को न्यूज करके और पंडित जी और नाव को दे देंगे। मामा नीचे बैठा पैसा बा अभी कब कह देर कहले हे जा दे दे ना जी धीरे धीरे कह के दे सर मन साली के दे दे अजी बैठ जा गोदी बैठिए कुर्सी पर जा कुर्सी भी टूट जाए कहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं के आया ना बैठिए बैठा मामा बैठा देखिएगा हिला के बोलते मामा एक हिला देख लिया मामा हां बढ़िया से ए तोड़ दे बका ए ना तेरा बाप ए मामा कुर्सियां एक हिला में खरीद ले बड़ा घर लेके चल के बा याद रखिया सवेरे चल लेंगे गाड़ी पर घर लेके चल के भाई चल जाए लेके।
तो यहाँ पे दूल्हा परेशान हो रहा है, तो सबसे पहले भाई आंगन में बैठ गया है और आप लोगों ने देखा है कि साली लोग कैसे मजाक कर रही थी। और साली लोग सबसे पहले आरती उतार रही और इसके बाद सास, होने वाली सास आई हैं दूल्हा परेशान करने के लिए। तो आप देखते रहिए। निकाल के रख भुला जी, अरे भुला जाए फिर जल्दी रखो ढोकड़ी में। ये बचा रही है, बचा रही है। सब मेरे तो खाई ऐसी को लेकर आई तो यहाँ पे दूल्हा और सहबाला दोनों का परिछावन हो गया है। सहबाला को नहीं परीछा जाता है पर मजाक से लोग परीछ रहे थे, दूल्हा को ही परीछा जाता है। और इसके बाद परिछावन के बाद मेरा भाई फिर से मंडप में नीचे बैठ गया है और इसके बाद शादी का विधि शुरू हो गया है और मेरे पापा भी बैठ गए हैं। पर उससे पहले दोनों समधि का समधि मिलन होगा, तो इसलिए दोनों समधि एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं। तो ये देखिए दुल्हन भी आ गई हैं और यहाँ से विवाह का जो विधि होता है वो प्रारंभ होता है। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया दस्तूर पुराना, कोई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो
कन्यादान हो गया है और इसके बाद यहाँ पे हो रहा है लावा मेराई, और ये वही लावा है जो तिलक में धान इधर से उधर किया जाता है, तो उसी को भून करके और यहाँ पे ये लावा मेराई का रस्म होता है, और ये रस्म भाई करते हैं। यही से धान चलाओ दलाओ दला कि पति पत्नी के अगर जीवन में कुछ तो भी हो के तो अगर साथ में छोड़ के दिशा ही नहीं के छोड़ सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना, सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना, प्यार का एक मंदिर है मन मन में मूरत सजन की बसाना, सात और हम लोग के घर में फेरे नहीं होते हैं और फेरे के बदले कुछ और रस्म हो जाते हैं, और यहाँ पे हो रहा है सिंदूरदान, तो सिंदूरदान हम लोगों को ओढ़ा करके किया जाता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो ये देखिए सिंदूरदान हो गया है। तो इसी प्रकार यह विवाह विधि विधान एवं रस्म रिवाज के साथ निर्विघ्न पूर्वक सम्पन्न होता है। तो आप सभी भी आशीर्वाद दे दीजिए हमारे भाई और भाभी को। तो यहाँ पे पंडित जी चले अपने घर, और यहाँ पे घर की जितनी भी लेडीज होंगी सब भाई और भाभी को चुमाउन करेंगी बारी बारी से। तो यहाँ पे चुमाउन हो गया है, और इसके बाद भाई भाभी को पूजा रूम में ले जा करके और अपने कुल देवता को प्रणाम करवाया जाएगा। तो उससे पहले देख लीजिए साली लोग द्वार छेक ली हैं। रखिए हम आपस में बोले 16 बोले 16 रुपए कम नहीं लेंगे, कम होता दीजिए या ना होगा ना दीजिए, जूता लेके आइए आपको दम लेंगे मेरे बदले में, लेके आइए नहीं देना होगा तो दीजिए, पैसा दीजिए सैनिटाइजर वाली, अरे सैनिटाइजर हम ना मारेंगे आप डेयरी में कोरोना आया है, हम लोग के गाँव कोरोना नहीं बता रहा है कि पैसा में मार दीजिए, कोई नहीं नहीं हम लोग नहीं मारना है। तुम्हारा प्यार बहना खुश रहे।
ना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, घर की बाती वो घर रोशन करना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा,